अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है, मैं ऑटिज्म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज देता हूँ, उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पे बैठ के अपने बच्चों को थेरेपीज दें। ये तरह बच्चा है, आप इसकी वीडियोस देखते रहते होंगे, इसकी मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। उसका मैं बेशक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैं जो है बता दूंगा उसका जो है लेक्चर नंबर। तो आज का जो मेरा लेक्चर है उसमें मैंने बताना ये है कि जब हम ऑटिस्टिक बच्चों के ऊपर काम करते हैं तो हर ऑटिस्टिक बच्चे के 1,00,000 डिसऑर्डर्स होते हैं। हमें हर डिसऑर्डर पे वन बाय वन काम करना पड़ता है। दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं जिस पे हमने काम करना होता है। एक हो गया प्रिंसिपल डिसऑर्डर और एक प्रिंसिपल डिसऑर्डर के साथ अटैच होता है उससे मुंसलिक होता है जिसको हम सब डिसऑर्डर्स कहते हैं, यानी जो उसके साथ उसका जिसको कहते हैं ज़ेली डिसऑर्डर्स। अब प्रिंसिपल डिसऑर्डर्स और ज़ेली डिसऑर्डर्स होते क्या हैं? प्रिंसिपल डिसऑर्डर ये होता है कि जब हम अगर बच्चे को कह रहे हैं कि जाके मेरे लिए पानी का गिलास लेके आओ, तो ये प्रिंसिपल डिसऑर्डर जिसमें बच्चा उठेगा खुद से और जाके डोर ओपन करेगा, डोर ओपन करके किचन में जाएगा, किचन में जाके गिलास भरेगा, गिलास भर के वापस ले आएगा और वापस ले आके हमें पिलाएगा और कहेगा पेश करेगा हमें। ये हो गया प्रिंसिपल डिसऑर्डर। तरतीब में प्रिंसिपल डिसऑर्डर बाद में आता है, उससे पहले हम उसके सब डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं। जैसे बच्चे को नहीं पता हो यानी सब डिसऑर्डर्स उसमें क्या होंगे, इसी पानी पिलाने में हम जब उसका नाम पुकारे तो हमारे घर मुड़ के देखे, ये नेम कॉलिंग रिस्पॉन्स। जैसे वो मुड़े और उसके बाद हम उसके खड़े हो जाओ, उसको स्टैंडिंग का डिसऑर्डर में काम करना। वो स्टैंडिंग करे उसके बाद उसके डोर ओपन करो, फिर वो डोर ओपन करे, फिर उसके बाद हम किचन में जाओ तो फिर किचन में जाए, किचन में जाकर हम उसको ग्लास होल्ड उठाओ तो ग्लास उठा, ये अलग डिसऑर्डर। फिर हम कह सकते हैं टैप ओपन करो, ये अलग डिसऑर्डर। फिर जब ग्लास भर जाए तो टैप बंद करो, वो अलग डिसऑर्डर। उसके बाद वो ग्लास को बैलेंस के साथ ले आए रूम में आके हमें पिलाए। ये जितने भी मैंने 8-10 डिसऑर्डर बताए हैं जिसमें नेम कॉलिंग रिस्पॉन्स, उसका ठहरना, उसका चलना, डोर ओपन करना, फिर किचन में जाना, टैप ओपन करना और टैप बंद करना और ग्लास को बैलेंस के साथ हमारे पास लेके आना और हमें पेश करना, ये सारे सब डिसऑर्डर्स कराते हैं। हमें जब तरतीब में डिसऑर्डर्स पे काम करना होता है तो हमें पहले सब डिसऑर्डर्स पे काम करना होता है सेपरेटली। ये तमाम डिसऑर्डर्स पर हमें सेपरेटली काम करना होता है। ये जो मैंने सब डिसऑर्डर्स बताए हैं, नेम कॉलिंग रिस्पॉन्स, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ग्लास भरना, ये सारे, तो इसमें हमने सेपरेटली जब डिसऑर्डर पे काम कर लेते हैं उस सेपरेटली में हमने डिस्टेंस फिटनेस भी करनी है उसमें, ताकि उसके कॉग्निशन डेवलप हो, हर डिस्टेंस के साथ भी वो हमें सेम वही रिस्पॉन्स दे जो हमें क्लोजनेस के साथ देता है। तो जब ये सब डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं फिर हम उसको इस काबिल होते हैं कि हम उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि जाके पानी लेके आओ, जिसको हम प्रिंसिपल डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें खुद ही उठता है फिर जाता और जाके ले आता है। इसलिए जितने भी दुनिया में डिसऑर्डर्स हम आर्टिस्टिक बच्चों के काम करते हैं, यानी उसके 1,00,000 डिसऑर्डर, उसमें हम पहले हम सब डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं, उसके बाद हम प्रिंसिपल डिसऑर्डर पे काम करते हैं डायरेक्ट, जिसमें हम उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से वो हमारे काम करता है। सेम ऐसे शूज पहनना है, अगर हम बच्चे को प्रिंसिपल डिसऑर्डर क्या होगा, जाके शूज पहनाओ, खुद जाए जाके जहां पे रैक पड़ा वहीं से शूज उठाए और शूज उठा के पहन ले, ये तो प्रिंसिपल। लेकिन तरतीब में प्रिंसिपल डिसऑर्डर पहले नहीं आता, पहले उसके सब डिसऑर्डर आते हैं, यानी जो हमने उसके अंदर जो डिसऑर्डर अटैच है वो कौन से हैं उसको पहले कहना, शू रैक में से उठाओ, शू रैक से उठाए, फिर उसके बाद उसको कहना उसके अंदर पाउंड डालो, पाउंड डाले, फिर उसके खींचो, खींचे, स्ट्रैप ओपन करो, स्ट्रैप ओपन करे, फिर उसके बकल में डाले स्ट्रैप, फिर बकल में डाल के फिर खींच के उसको बंद करें। ये सारे डिसऑर्डर जो सेपरेटली हमने इन बच्चों को सिखाने होते हैं, उस तमाम इन सेपरेट डिसऑर्डर्स में भी हमने डिस्टेंस फेड करना होता है। उसके बाद फिर हम उसको प्रिंसिपल डिसऑर्डर पे काम करते हैं कि जाके शूज पहनो, तो शूज पहन लेता है। सेम ऐसे शूज उतारो, वो भी प्रिंसिपल डिसऑर्डर है लेकिन उसके अंदर भी सब डिसऑर्डर अटैच होती हैं, जिसमें उसको एक एक चीज नेम कॉलिंग रिस्पॉन्स पहले हमारी तरफ देखे, फिर उसे कहते हैं शूज को पकड़ो, शूज के स्ट्रैप ओपन करो, लूज करो स्ट्रैप को, फिर शूज उतारो, उतारने के बाद रैक पे रखो। हमने सब डिसऑर्डर पर पहले काम करना होता है, जो कि 8, 10, 12, 15 हर प्रिंसिपल डिसऑर्डर के अंदर 10, 12, 15 सब डिसऑर्डर भी होते हैं। हमें पहले उस पर डिटेल में काम करना होता है, उसी में डिस्टेंस फिटनेस भी करनी होती है और सेपरेटली काम करना होता है, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं तो प्रिंसिपल डिसऑर्डर पर काम करते हैं। आज मैं इसको कराऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा वो किस अंदाज से आपने कराना है, सब डिसऑर्डर पे पहले कैसे काम करना है, उसके बाद प्रिंसिपल डिसऑर्डर पे कैसे काम करना है। हमारे यहाँ पर जो पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती कर बैठती हैं, डायरेक्ट सब प्रिंसिपल डिसऑर्डर पे काम करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा इंप्रूव नहीं कर पाता, एग्रेशन में चला जाता, मेल्टडाउन में चला जाता है, क्राई करने लग जाता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्राई होता है। अगर हम उसके बेबी स्टेप्स बना लें, उसके छोटे छोटे डिसऑर्डर पर सेपरेटली काम कर लें और उसके बाद अगर हम
प्रिंसिपल डिसऑर्डर पे काम करें तो हमें वो बच्चा कंप्लायंस देगा और हमारी बात को अंडरस्टैंड करेगा। इसके बाद फिर हम जब ये इस कॉग्नाइज में जब हम उसको ये काम कराते हैं, ये एक्टिविटीज कराते हैं, इसके बाद फिर कॉग्निशन का पार्ट इसके बाद में आता है। तो आज देखिएगा मैं इसी को पहले सब डिसऑर्डर पे काम करूंगा इसके, उसके बाद देखिएगा मैं इसको पानी लेने का कहूंगा सब डिसऑर्डर के साथ ही नहीं, एक एक डिसऑर्डर पे सेपरेटली पहले सिखाया हुआ है तो उस पर काम करूंगा, उसके बाद जब प्रिंसिपल डिसऑर्डर पे करूंगा तो वो उस पर भी मुझे सेम वही कॉग्नाइज देगा जैसे वो मुझे सब डिसऑर्डर पे दे रहे हैं, क्योंकि सब डिसऑर्डर डिटेल को वर्क है और जो प्रिंसिपल डिसऑर्डर पे हम काम करते हैं उस पे हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देते हैं बच्चे को। अब जरा माइंड वॉच कीजिएगा कि इसको मैं किस तरह से कर रहा हूं, आप देखिए मेरी तरफ नहीं देख रहा, मैं पहले इसका नेम कॉल एंड रिस्पांस करूंगा, तलाक शाबाश वेरी गुड। अब देखो मैं अब इधर से उसको बुलाऊंगा ताकि वो मेरी तरफ मुड़ के देखे, अभी वो देख रहा है तो मैं उसको इधर ऐसे करूंगा, अब जरा फिर से देखिएगा तलाक और जो प्रिंसिपल डिसऑर्डर है उस पे भी कर लेंगे। अभी चूंकि मैं सब डिसऑर्डर पे काम कर रहा हूँ तो आप वॉच कीजिएगा तलहा शाबाश, खड़े हो जाओ शाबाश। अब ये मैंने दूसरे डिसऑर्डर पे काम किया, अब मैं तीसरे डिसऑर्डर पे काम करूंगा, जो डोर ओपन करो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सब डिसऑर्डर पे किस अंदाज से काम है। तीसरा डिसऑर्डर फोर्थ है, जाओ किचन में जाओ, किचन में जाओ, अभी किचन में आ गया। अब मैं इसको ग्लास का कहूंगा तो ग्लास पाएगा, उसमें पानी भरेगा, चलो ग्लास टॉप, ग्लास टॉप, हां शाबाश, देखिए ग्लास, वेट करो वेट वेट, अब देखिए इसमें ग्लास, ये अगला डिसऑर्डर सब डिसऑर्डर। उसके बाद में कहो चलो टैप ओपन करो, टैप ओपन करो, टैप ओपन करो, देखिए जो ओपन, हां ओपन करो शाबाश, बंद करो, बंद करो, बंद करो, वेरी गुड शाबाश। अब ये टैप ओपन करना, बंद करना, वेट करो वेट वेट, लेदर डिसऑर्डर। अभी मैं इसको बाद में कराऊंगा, पहले मैं खुद इसको करूंगा, मुझे दो थोड़ी बात तुम इसको, चलो पानी पी लो और पी लो चाओ वेट। अब जब इसने पी लिया मैं अपने लिए भी इसे करवाना चाह रहा हूँ, इसका प्यास बुझ गई और मैं इसको कहूँ चलो अथला ओपन करो, पानी पानी डालो, पानी डालो, टैप ओपन करो, बंद करो चाओ भाई, वेट करो वेट करो। अब देखिए मैं इसको इधर से बुलाऊंगा, ये और मेरे पास आने का लेदर डिसऑर्डर है, किचन में जाने का लेदर डिसऑर्डर है, आ जाओ तला मेरे पास आ जाओ, ये लेदर डिसऑर्डर सब डिसऑर्डर है, नहीं वेट करो पीना नहीं है, पीना नहीं है, आ जाओ सबके पास आ जाओ। अब मैं इसको अंदर बुलाऊंगा, आप ही अंदर आ जाएगा, वेट करो तला आ जाओ सबके पास आओ, वेट करो। हर चीज के साथ आपने वेट डालना है, ये तमाम सब डिसऑर्डर सेपरेटली कराया गया, उसमें डिस्टेंस भी फेड किया गया, इन तमाम सब डिसऑर्डर्स को हम बाद में कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ग्लास रखो, पानी दो, पानी दो, ग्लास रखो, दो सर को दो, ग्लास रखो, दो सर को दो, शाबाश अभी इसने मुझे दिया, ये अलग अलग डिसऑर्डर वेट करो अहमद। अब देखिए मैंने इसके सामने पानी पी लिया, बैठ जाओ अलग, अब क्या करेंगे, अब मैंने इसको बिठा दिया, सारे डोर भी क्लोज कर दिया। अब मैंने इसको जरा देखिएगा, वॉच कीजिएगा, जरा इधर इसी को दिखा देगा तला को, अब देखिएगा मैंने तमाम डिसऑर्डर्स पर सेपरेटली इनको सिखाया और सेपरेटली सिखाने के बाद उनको ज्वाइन किया। अब मैं इसके जब इसने अलहमदा देखे इसको पता चल गया, डोर इसको कहते हैं, हैंडल इसको कहते हैं, ओपन इसको कहते हैं, किचन इस तरफ है, ग्लास इधर है, सब चीजें सेपरेटली उसको सिखाई गई, कूलर से टैप ओपन ऐसे करते हैं, ऑफ ऐसे करते हैं उसको, तो हमने एक एक चीज उसको सिखाई, और मेरे पास पानी लेके आना, डोर बंद करना, सारा इसको बाद में बैठ भी जाना, ये मैंने सब डिसऑर्डर पर सेपरेटली हमने पहले काम करना होता है। तरतीब में ऑटिज्म में ज़हन रखे, जब तक आप तरतीब में नहीं चलेंगे आप बच्चों को इम्प्रूव नहीं करा सकते। अब मैं आता हूं उसके प्रिंसिपल डिसऑर्डर पे, सेम इसी का प्रिंसिपल डिसऑर्डर क्या होगा, मैं इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि जाओ पानी लेके आओ, डिटेल उसको नहीं बताऊंगा, वो खुद जाएगा, खुद ओपन करेगा डोर, सब किचन से जाके पानी लेके आएगा, ये प्रिंसिपल डिसऑर्डर, ये इसके बाद आता है तरतीब में।
प्रिंसिपल डिसऑर्डर बाद में आता है और जो उसके अंदर सब डिसऑर्डर्स अटैच हैं वो हमने पहले सिखाने होते हैं जो डिटेल में। अब जरा वॉच कीजिए मैं बोलता था जो सर के पानी लेके आओ शाबाश शाबाश जो पानी लेके आओ डोर क्लोज कर दो पहले डोर क्लोज कर दो डोर क्लोज कर नहीं इधर आ जाओ सर के पास आओ डोर बंद कर दो शाबाश अब ये क्या था उसका प्रिंसिपल डिसऑर्डर कि वो खुद से उठा मैंने सिर्फ उसको कहा तलहा पानी लेके आओ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी उसको डिटेल के साथ इंस्ट्रक्शन नहीं दी डिटेल के डिसऑर्डर पे काम नहीं किया ये इस तरीके में बाद में आता है लेकिन वो खुद किया उतना ही लेकिन माशाल्लाह पानी डाला जितना मैंने उसको पहले कहा था क्योंकि इसके भी अपने अलग से सब डिसऑर्डर बनते हैं कि भी आधा गिलास पानी भर के आओ पूरा गिलास भर के आओ दो से पानी भर के आओ ताकि उसको इसके भी हमने बाद में सेपरेटली हम सब डिसऑर्डर पे काम करते हैं वो देखे खुद से उठा डोर ओपन किया किचन में गया गिलास उठाया और टैप ओपन किया पानी डाल के मेरे पास लेके आ गया और जब उसने डोर बंद नहीं किया था तो मैंने उसको कह दिया डोर बंद कर दो और वापस आने के बाद मुझे एक दफा उसको कह पड़ा बैठ जाओ खुद से बैठना चाह रहा था मुझे मेरी इंस्ट्रक्शन का वेट करा था मैंने नहीं बैठ जाओ कोई बात नहीं हमने स्टार्ट में जितने भी डिसऑर्डर है जो मैं कहता हूँ एक लाख डिसऑर्डर हमें पहले सब डिसऑर्डर पे काम करना होता है जब सब डिसऑर्डर पे अच्छा बच्चा काम कर लेता है फिर हम प्रिंसिपल डिसऑर्डर यानी पहले हम उसको इन सेपरेटली एक एक डिसऑर्डर पे काम कराते हैं बाद में हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं तो बच्चा काम करने लग जाता है पेरेंट्स से जो सबसे बड़ी गलती हो जाती है वो चूंकि इनको नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं इनको सिखाने का अंदाज डिफरेंट है इसलिए इनको कहते हैं डिफरेंटली एबल चाइल्ड कि इनको सिखाने का अंदाज डिफरेंट है तो हमें पहले डिटेल के साथ सब डिसऑर्डर्स पे काम करना होता है किसी भी डिसऑर्डर पे काम करने के लिए प्रिंसिपल डिसऑर्डर पे काम करने से पहले हमें देखना पड़ता है इसमें कितने सारे सब डिसऑर्डर बन सकते हैं हमें तमाम हमें उसकी असेसमेंट करनी पड़ती है उसके बाद फिर हम उसको सब डिसऑर्डर पे काम करने के बाद तमाम सब डिसऑर्डर अटैच कर देते हैं जैसे ही सब डिसऑर्डर अटैच हो जाते हैं फिर उसके बाद हम प्रिंसिपल डिसऑर्डर पे काम करते हैं और जब प्रिंसिपल डिसऑर्डर पे अच्छा काम करते हैं ऐसे एक प्रिंसिपल डिसऑर्डर दूसरा प्रिंसिपल डिसऑर्डर तीसरा तीन तीन चार चार प्रिंसिपल डिसऑर्डर पे भी हम उसको काम दे सकते हैं जैसे मैं इस बच्चे को जाके शूज पहन के नीचे जो है ना डोर ओपन कर दिया ये बाहर जाए शूज पहने और नीचे जाके डोर ओपन कर है डोर ओपन करना अलग प्रिंसिपल डिसऑर्डर है और प्रिंसिपल डिसऑर्डर के अंदर सब डिसऑर्डर भी अटैच है स्टेयर से नीचे उतरना डोर ओपन करना वो सारा अलग से है शूज पहनना अलग प्रिंसिपल डिसऑर्डर है और उसके अंदर भी सब डिसऑर्डर है शूज पहनना यानी हम दो प्रिंसिपल डिसऑर्डर्स को ज्वाइन भी करते हैं ऐसे हम दो से ज्यादा जो सब डिसऑर्डर्स हैं उनको भी ज्वाइन करते हैं लेकिन ये बाद में आता है प्रिंसिपल डिसऑर्डर दो प्रिंसिपल डिसऑर्डर को ज्वाइन करना बाद में आता है उससे पहले हम उसके सब डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं हम पेरेंट्स से यही गलती हो जाती है हम चूंकि डायरेक्टली प्रिंसिपल डिसऑर्डर्स पे काम करने लग जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे इंप्रूव नहीं कर पाते सीख नहीं पाते आप भी बच्चों के सबसे पहले सब डिसऑर्डर्स पे काम करें जो भी आप उसको एक्टिविटी करा रहे हो जो भी ड्रिल करा रहे हो जो भी आप प्रिंसिपल डिसऑर्डर पे काम कर रहे हो उसके अंदर आप अटैच देखा करें कि कितने डिसऑर्डर है जैसे एक बच्चा नॉन वर्बल है स्पीच नहीं करता हम उसको स्पीच कराने से पहले उसके सब डिसऑर्डर्स क्या होंगे कि वो ब्लोइंग करे वो माउथ ओपन शट करे वो हमारी इमिटेशन में करे माउथ ओपन शट वो हमारी इमिटेशन में टंग की इमिटेशन करे वो हमारी इमिटेशन में वोकल कॉर्ड की इमिटेशन करे आ कहे तो आ करे ई कहे तो ई करे ऊ कहे तो ऊ करे इमिटेशन में तो हमने तमाम सब डिसऑर्डर पे जब हम काम करते हैं उसके बाद फिर हम इस काबिल होते हैं कि हम उसके प्रिंसिपल डिसऑर्डर पे काम करते हैं आप इसी तरह से बच्चों के ऊपर पहले सब डिसऑर्डर पे काम करें उसके बाद फिर प्रिंसिपल डिसऑर्डर पे करेंगे तो आपके बच्चे भी इंप्रूव होंगे उम्मीद करता हूँ आपके इस वीडियो से काफी कुछ लर्न करने को मिला होगा आप भी अपने बच्चों पर खूब मेहनत करें उनको इम्प्रूव और रिकवर करें आप अपना बहुत सा ख्याल रखें अल्लाह आपका हमीन आसर है अल्लाह हाफिज़